बालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी संजय यादव के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की जब्ती करनी शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए जेसीबी के माध्यम से कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। आरोपी संजय यादव के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बता दें आपको, जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जहां पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो रही है, वहां पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और आरोपी को फांसी देने की मांग भी की जा रही है। महादलित लड़की के साथ रेप और हत्या के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कल पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया था, जिसके बाद आज पुलिस बुलडोजर लेकर के पहुंची। इस मौके पर भीम आर्मी के साथ में बीएसपी के भी कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर के हंगामा किया। सभी ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मुजफ्फरपुर के पारू में, छपरा, गोपालपुर में ये कार्रवाई की गई है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। कल ही इश्तेहार चिपकाया गया था पुलिस की तरफ से और आपको बता दें कि आज कुर्की जब्ती की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बिहार में भी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के तर्ज पर एक्शन लिया जा रहा है। सख्त कार्रवाई करते हुए घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। आरोपी संजय यादव के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इश्तेहार चिपकाया गया था कल ही और आज कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये भीड़ भी आप देख सकते हैं, काफी लोग वहां पर मौजूद हैं। पूरी जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, देखिए जो आरोपी है, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पूरी जानकारी दीजिए इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पे। जी, यहाँ पे बुलडोजर जो है वो चला है। दरअसल कल इश्तेहार चिपकाया गया था, 6 दिन पहले घटना हुई थी, उसके बाद आरोपी संजय यादव जो है वह कई दिनों से घटना के बाद से ही फरार है और पुलिस लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। तो ऐसे में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद जो है वह उसके घर के बाहर इश्तेहार कल चिपकाया था, जिसके बाद आज कुर्की जब्ती के लिए पुलिस पहुंची थी, बुलडोजर भी लेकर पहुंची थी और कुर्की जब्ती की गई है। घर के तमाम सामान जो है, दरवाजा, पल्ला और तमाम चीजों को लिया गया है। उसके अलावे बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई चीजों को तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में भी जो है बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है आरोपी संजय यादव की गिरफ्तारी को लेकर। अब देखना होगा कि उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, क्योंकि अब तक उसने न तो आत्मसमर्पण किया है न ही उसकी गिरफ्तारी हो पाई। प्रियांक, क्या आरोपी के परिवार वालों में से किसी से बातचीत हुई? नहीं, यहाँ पर सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह सभी फरार हैं, घर में कोई नहीं था और पुलिस लगातार घटना के बाद से ही जब से दबिश बना रही थी तब से ही परिवार में कोई नहीं है और उसके बाद से तमाम लोग फरार हैं, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। प्रशासन का क्या कहना है इस मामले को लेकर प्रियांक? प्रशासन बता रही है कि आज जो है वह कार्रवाई की गई है, लेकिन लगातार उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें एक व्यक्ति की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जो बोलेरो उस बच्ची के अपहरण में प्रयुक्त किया गया था उसको भी जब्त कर लिया गया है। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं कार्रवाई तो की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कुछ जो मुख्य आरोपी संजय यादव उसकी गिरफ्तारी हो जाए। प्रियांक, देखिए पड़ोसी राज्य यूपी की तर्ज पर कुर्की जब्ती की ये कार्रवाई बहुत बड़ा संदेश देता है कि अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता है तो फिर कार्रवाई जरूर होगी, वो भी सख्ती से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिहार के लिए अपने आप में यह, खासकर मुजफ्फरपुर की बात करें तो अपने आप में यह पहला मामला है जहां यूपी मॉडल पे बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। पहले भी जो है इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन वह बगल के राज्य में हुआ है, लेकिन अब मुजफ्फरपुर में भी जिस तरीके से पहले हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने अपना मोड बदल दिया है। क्रिमिनलों के खिलाफ जो है पुलिस ने अपना पूरा क्लियर कर दिया है कि वो उन्हें बख्शेंगे नहीं, चाहे उसके लिए यूपी मॉडल लागू करना पड़े। तो पहले एनकाउंटर लगातार किया गया और अब जो है आज बुलडोजर वाली कार्रवाई भी यहाँ पर की जाने लगी। जी, आस पड़ोस जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन सभी लोगों का क्या कहना है, क्या मांगे हैं उनकी? मैंने उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की है, उन लोगों ने भी बताया है कि जो संजय यादव है वो इसी तरह का व्यक्ति था। काफी पहले उसकी पत्नी मर गई थी, हालांकि तीन बच्चे थे जिनका भी उम्र 15 साल से अधिक हो गया था। ऐसे में जो उसके परिवार का माहौल है वो संजय यादव अलग टाइप का आदमी था, वह इसी तरीके की हरकतें करता था जिसको लेकर पहले भी घर में विवाद हुआ करता था, लेकिन जो उसने किया है उसने अपना बता दिया है कि वह क्या कर सकता है। वो इसी तरह की घटनाएं वो पहले भी कुकृत्य करता था और यही चीज जो है उसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। ठीक है प्रियांका, आप नजर बनाए रखिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।